अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, एवरीथिंग इजी चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सऊदी अरब में कल जो चाइना वैक्सीन के मुतालिक ऐलान हुआ है मंजूरी का, उसके मुतालिक है। और साथ में दोस्तों, वो डोज जो एक डोज सऊदी अरब में ली है, दूसरा पाकिस्तान में ली है, उसका क्या तरतीब होगा, क्या वो आ सकता है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके आता हूँ कल जो उकाज अखबार ने ऐलान किया, बल्कि दोस्तों अखबारिया ने ये वीडियो भी पब्लिश की है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि आलंत वजार से इन लगाहत मुतम ममलिका, ये दोस्तों सऊदी वजार सेहत ने ऐलान किया है कि 6 कोरोना वैक्सीन सऊदी अरब में अप्रूव है, जिसमें दोस्तों एस्ट्राज़ेनेका है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मोडर्ना है, सिनोफार्म है, साइनोपोक है, यानी दोस्तों चाइना वैक्सीन भी अप्रूव हुआ। ये दोस्तों कोई नया खबर नहीं है जो चाइना वैक्सीन सऊदी हुकूमत ने अप्रूव किया। कल दोस्तों सऊदी वजारत सेहत ने सिर्फ एक आदमी को जवाब दिया जिसने सवाल किया था कि कौन से वैक्सीन अप्रूव है, तो उसने चाइना वैक्सीन का भी नाम उधर लिखा था कि ये भी सऊदी हुकूमत से अप्रूव है, यानी अगर किसी अगर मुल्क ने ये वैक्सीन की है तो सऊदी अरब आ सकता है। वैसे भी दोस्तों, अगर आप लोगों ने तर्तीमात वाला साइड जिधर गैर मुल्की अकामा होल्डर पाकिस्तान में वैक्सीन लेके अप्रूवल करते थे, ये दोस्तों इसका सर्वर डाउन है, ये तर्तीमात वाला जगह है, इसमें तकरीबन 2 महीने से चाइना वैक्सीन अपडेट हुआ है, चाइना वैक्सीन मौजूद है। इसमें दोस्तों इस खबर का निचोड़ नीचे आ रहा है, आप लोग अगर इधर देखें तो ये बता रहा है कि वकशफ्ता यमकिन कबूल मिन अकमल तल का जरूरत में लिखा, यानी दोस्तों मुमकिन है कि जिसने चाइना वैक्सीन की हो वो सऊदी हुकूमत अप्रूवल करे, मुमकिन ये यमकिन लिखा है, बशर्त अन यकून शख्स कद तलक की जुर्गत तनशती, यानी दोस्तों जिसने बूस्टर वैक्सीन की हो, 2 चाइना की वैक्सीन की हो, तीसरा उसने बूस्टर की हो, और वो बूस्टर जो सऊदी हुकूमत से अप्रूवल है, सऊदी हुकूमत से कौन से अप्रूवल है, एस्ट्राज़ेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मोडर्ना, इन चारों में से तीसरा किसी ने भी चाइना वैक्सीन की बात की हो तो वो सऊदी अरब आ सकता है, क्वारंटीन से बच सकता है। एक हो गया दोस्तों ये बात। दूसरा दोस्तों बात आ रहा है, जिसने एक वैक्सीन सऊदी अरब में की हो और एक पाकिस्तान में हो, क्या वो आ सकता है या नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने कल देखा होगा जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि वो गैर मुल्की जो कबल मुगादरा सऊदी अरब से जाने से पहले बिफोर डिपार्चर सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन मुकम्मल करके सऊदी अरब से गए हैं वो आ सकता है। ये उसमें दोस्तों नहीं बताया गया था कि जिसने सऊदी में एक वैक्सीन की हो दूसरा अपने मुल्क में की हो, या उसने सिर्फ एक वैक्सीन किया हो और वो सऊदी अरब से गए हो वो वापस आ सकता है, नहीं, उसमें बताया गया था कि जिसने दोनों वैक्सीन मुकम्मल करके उसने फिर डिपार्चर किया हो, सऊदी अरब से मुहादिरा किया हो, सिर्फ वो गैर मुल्की सऊदी अरब आ सकता है। वैसे भी दोस्तों ये जो कानून का कल ऐलान हुआ है, इससे चंद ही लोग मुस्तफीद हो गए, क्योंकि लोग अभी अभी दूसरा डोज लगा के छुट्टी गए हैं, तो 3-4 महीने किसी ने नहीं आना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम।